हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आपको फ्रूट कस्टर्ड बनाना सिखाऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम 1 लीटर दूध लेंगे, केला लेंगे जिसको मेन मेन काट लिए, एक सेब को काट लेंगे, अंगूर है दोनों तरह का, काजू है, किशमिश है, चीनी चाहिए, बादाम कटा हुआ है, इलायची पाउडर है 4 चम्मच, कस्टर्ड पाउडर है और अनारदाना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। गैस को हम ऑन करेंगे और दूध चढ़ाएंगे गैस पे और दूध को गर्म करेंगे। इधर कस्टर्ड पाउडर में गुनगुना दूध डाल के हम इसको घोल लेंगे। घोल पतला रखना है। इस प्रकार पतला घोल रखना है इसको। उधर हमारा दूध गर्म हो गया है, अब उसमें हम चीनी डाल देंगे। चीनी डाल के 2 मिनट तक चलाएंगे, फिर उसमें हम कस्टर्ड पाउडर जो घोल के रखे थे उसको डाल देंगे और गैस की आंच को धीमी कर देंगे। गैस की आंच धीमी करके इसको हम चलाते रहेंगे, अच्छी तरह से चलाएंगे इसको। इसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो कढ़ाई में बैठ जाएगा। 4-5 मिनट तक इसको हम चलाएंगे, फिर इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए हमारा बन चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब ये ठंडा हो चुका है मेरा। अब इसमें इलायची पाउडर और कटा हुआ बादाम था वो डाल देंगे, और केला काट के रखे थे वो डाल देंगे, और सारा फल है जो काट के रखे थे उसको सभी को हम डाल देंगे। अब ड्राई फ्रूट में हम काजू था वो डाल देंगे और किशमिश वो डाल देंगे, फिर अनारदाना डाल देंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, इसको फ्रिज में रख के ठंडा करके खाएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।